अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल्लाह है और आज इस वीडियो में मैं हज़ार साल पुराना गेम खेलूँगा जिसका नाम है IGI। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल सैफी खान। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही पुराने ज़माने का गेम खेलूँगा, मेरे बचपन का गेम। ठीक है, वैसे तो मुझे लेटेस्ट गेम खेलना चाहिए था, बट मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो हिट हो जाती है या इसके ऊपर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो फिर मैं पबजी भी खेल सकता हूँ, फॉर्नाइट भी खेल सकता हूँ, माइनक्राफ्ट भी खेल सकता हूँ, जो भी लेटेस्ट गेम हो ना वो मैं खेलूँगा। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम IGI, तो चलो शुरू करते हैं। तो IGI गेम शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सैफुल्लाह मैदान में उतर गया है, मैदान जंग। और जब मेरे जैसे जब प्रो प्लेयर आते हैं गेम में तो वो लाजमी कमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट कभी कभी माउस काम नहीं करता तो मैं क्या करूँ उसमें। आप देख सकते हैं टावर पे बंदा है, ये देखो एक ही गोली पे ना बंदा मर गया, हेडशॉट। इसे बोलते हैं प्रो प्लेयर भाई। अब हम जाएंगे कमरे में और घुस के मारेंगे। यह है हमारे पास इंजी गन, जिसकी परफॉर्मेंस मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कमरे में और भी बंदे हो सकते हैं, सो ये है मेरा फेवरेट गन AK-47। अभी हमें ऑन करना है अलार्म, क्योंकि मुझे ना दुश्मनों को अपने पास बुलाना है। बाहर ना बहुत ख़तरनाक किस्म के दुश्मन हैं, सो वो मेरे पास आएंगे और निशाना मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, सो दैट वे आई कैन ईज़िली टारगेट देम और शूट देम ईज़िली। इसे बोलते हैं स्ट्रेटजी। देखो स्ट्रेटजी मुख्तलिफ किस्म की होती है, मर जाओ ना। और स्ट्रेटजी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं रेड टोपी वाले कमांडोस, ये बड़े ख़तरनाक कमांडोस होते हैं भाई, और गेम में भी काफ़ी तेज़ हैं ये लोग। एक बंदा और है बाहर, चलो भाई दारा बंद करो। और अब देखते हैं कि बाकी कोई है बाहर या नहीं। चलो जी, मैदान साफ़ है, सो अभी हमें कंप्यूटर स्क्रीन जाना है और कैमरास को ना हैक करके सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ़ करना है। तो अब हम जाएंगे टावर के ऊपर, ठीक है, वहाँ से लेंगे अपना फेवरेट गन स्नाइपर। वैसे मेरे सारे फेवरेट गन्स है, मतलब सारे गन्स मेरे लिए फेवरेट हैं और स्नाइपर भी मेरा फेवरेट लिस्ट में आता है। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर। जंग हमेशा ना अकल से जीती जाती है, सो यूज़ योर ब्रेन। ओके, यहाँ से मैंने अपना फेवरेट गन लिया ट्रेगनो, और अभी हम करेंगे तबाही वायलेंस। ठीक है, सबसे पहले हम मारेंगे ये टावर वाला, क्योंकि टावर वाला जो बंदा जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। सो अभी हम मारेंगे कमांडोस को, हमारे पास एक मिनट रह गया है सिक्योरिटी कैमरास को दोबारा ऑन होने में। हेडशॉट मारते हैं इसको, बच गया भाई, गोली ज़ाया हो गई है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं, सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ख्याल करना है, वरना एक गलती से अलार्म बच सकता है और मेरी बैंड बच सकती है, सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। किसको मारूं यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो भाई यहाँ
एक गलत मूव और हमारा सारा गेम ख़राब। सो आई नीड टू बी, इसको गोली मारो अब इसको। ओ शिट यार, कैमरा रेड हो गया है, इसका मतलब है अलार्म बज सकता है। बल्कि अलार्म बज गया है। सो फॉर द इमरजेंसी हम टावर के उस पार जाएंगे और वहाँ से अपना शूटिंग मूटिंग चालू रखेंगे। तो एक बंदा तो मुझे सामने नज़र आ गया है जो कि है ख़तरनाक रेड कमांडो। स्नाइपर गन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट गोली मारो और बात ख़त्म करो। सो अब इसको मारते हैं। बाद में जो है ना, ये रेड कमांडोज बड़े मसले करते हैं यार। इसको भी मार देते हैं, सामने है तो बस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसको भी यस करते हैं यार। बाकी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा टारगेट पे, बाकी और कोई नहीं आ सकता। सो आई नीड टू शूट देम ऑन AK-47। ऐसे AK-47 जो है वो शॉर्ट रेंज में अच्छा गन है। सो आई नीड टू टेक अ राइट मूव, उसके लिए मुझे स्ट्रेटजी का ध्यान रखना होगा। पहले तो हमें मुझे चाहिए बुलेट्स वगैरह ताकि बाद में मसला ना होना। कैमरा वैसे आवाज़ें निकाल रहा है भाई, लरम तो वैसे भी ऑन है, क्या फ़ायदा। देखते हैं, ध्यान से जाना पड़ेगा हमें। चलो भाई, यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पे मुझे अपनी पुरानी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना होगा और वो है दुश्मन को अपने पास बुलाना और आराम से उसको शूट करना। ठीक है, इससे ये होता है ना, आप का फोकस एक ही जगह पे होता है और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज या इंगेज जो भी है। मर जाओ ने, देखो अपने माउस से निशाना भी नहीं ले सकता, इतना ख़राब माउस है मेरा। अरे कोई बात नहीं भाई, जुगाड़ जो है ना वो हर चीज़ का हल है। इनजी का फ़ायदा नहीं है कि 47 से मारूंगा मैं इसको। चलो भाई, बंदा अभी आ रहा है मेरे पीछे, तो पोजीशन लेते हुए बंदे को टारगेट करेंगे। वेरी गुड सैफुल्ला, वेरी गुड। ओ तेरी मैं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि सैफुल्ला कितना अच्छा खेलता है कि वो निशाना भी नहीं लगा सकता सही से, इतना तो वो प्रो है ना भाई। कोई नहीं है भाई। सो लेट्स गो, एक बंदा वहाँ पे है, उसको मारेंगे और फिर जाएंगे। ठीक है, चलो भाई गेम ख़त्म। अब हम जाएंगे टैंक की तरफ और ओ शिट ये कहाँ से आ गया। चलो इसके ऊपर भी वही पुराना वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा और मैं उसे गोली मार दूँगा। शिट, दिल निकाल दिया उसने मेरा यार, दिल निकाल दिया इस चीज़ ने मेरा, एकदम से आए बंदा। चलो भाई जो भी है काम हो गया, अब जाते हैं ट्रक की तरफ और मिशन कंप्लीट हो गया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो
और 100 लाइक्स अगर मिले इस वीडियो के ऊपर तो मैं पबजी के ऊपर गेम्स बनाऊंगा, और मुख्तलिफ जो गेम्स हैं ना, फोर्टनाइट वगैरह, उसके ऊपर गेम्स बनाऊंगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।